जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अनेक वायदे जनता से करके वोट लिए थे और 10 गारंटियां भी जनता को दी थी कि सत्ता में आते ही ये गारंटियां पूरी की जाएगी। सत्ता में आने के बाद वायदों को तो ये सरकार भूल ही गई है, परंतु गारंटियों को पूरा करने में भी ये सरकार विफल रही है। एक साल से अधिक समय इस सरकार को सत्ता में आए हो गया, परंतु एक भी गारंटी पूरी तरह लागू नहीं हुई। जबकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमने 3 गारंटियां पूरी कर दी, हमने 4 गारंटियां पूरी कर दी, जबकि ये सच्चाई है कि एक भी गारंटी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने दूध की कीमत में 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी करके इस गारंटी को भी पूरा करने का जो है वो प्रचार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों से 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदेंगे। अभी कीमत 40 रुपए प्रति लीटर के लगभग है। आवश्यकता थी 60 रुपए बढ़ोतरी होती, परंतु 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी करके वाह वाह लूटना कांग्रेस सरकार का जनता को गुमराह करने का प्रयास है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। चाहिए तो ये था कि ये बढ़ोतरी पूरी तरह जो है 100 रुपए करके लागू की जाती, क्योंकि इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के अंदर बिकने वाली शराब में 10 रुपए प्रति बोतल बढ़ोतरी की थी और कहा था ये मिल्क सेस है। ये पैसा शराब की बोतल पर 10 रुपए बढ़ाकर लिया जाएगा और जो मिल्क सेस होगा उससे किसानों से 100 रुपए लीटर दूध खरीदा जाएगा। ये जो मिल्क सेस है वो तो सरकार इकट्ठा कर रही है, परंतु किसानों को दूध की कीमत नहीं मिल रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सरकार जो इस तरह से जनता को गुमराह करती है, ये सरकार जनता को जो है वो भ्रमित करने का प्रयास करती है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 5 साल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चली, उस सरकार के समय दूध की कीमत में 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई थी। ये कांग्रेस ने तो 6 रुपए लीटर बढ़ोतरी करके जो है ये सिद्ध किया है कि ये सरकार किसानों के हित चिंतक नहीं, पशुपालकों के हित चिंतक नहीं, बल्कि उनको गुमराह करके आगामी लोकसभा चुनाव में उनके वोट लिए जा सके, ऐसा एक प्रयास कांग्रेस सरकार कर रही है। परंतु हमारा मानना है कि प्रदेश के किसान, प्रदेश के पशुपालक जागरूक है और इस बढ़ोतरी से भ्रमित ना होकर जो उनकी मांग है 100 रुपए प्रति लीटर की, उस मांग को पूरा होने तक वो भ्रमित नहीं होंगे और कांग्रेस के इस लुभावने प्रचार में नहीं आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।